नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एडीजी 112 अशोक कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में गाजीपुर जिले में 4 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होना है। ये जागरूकता अभियान मोहिनी पाठक अपर पुलिस अधीक्षक लखनऊ के निर्देशन में चलाया जा रहा है। प्रथम दिन अभियान की शुरुआत गाजीपुर के मिश्र बाजार से हुई, जहाँ पर नुक्कड़ नाटक, एलईडी वैन जनसभा कर नागरिकों को जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया है कि केवल झगड़े व मारपीट से ही नहीं, बल्कि किसी भी आपात स्थिति जैसे आग लगने, प्राकृतिक आपदा, मेडिकल इमरजेंसी से भी आप 112 नंबर डायल कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन का प्रारंभ मिश्र बाजार के बाद सिटी रेलवे स्टेशन रौंजा जंगीपुर के पास जागरूकता अभियान चलाया गया है, जो कि 29 अप्रैल तक कार्यक्रम चलता रहेगा। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दूसरों को मदद के लिए 112 नंबर पर कॉल करने वाले जागरूक सूचनाकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। यह जागरूकता कार्यक्रम मोहिनी पाठक अपर पुलिस अधीक्षक यूपी 112 के निर्देशन में चलाया गया है। इस दौरान टीम गाजीपुर प्रभारी संजय गुप्ता, 112 के ROIP गाजीपुर के निरीक्षक राम केश वर्मा, HO आशीष कुमार श्रीवास्तव, यूपी 112 मुख्यालय लखनऊ से आई टीम मौजूद रही। इस दौरान टीम के प्रभारी संजय गुप्ता ने 112 हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया, साथ ही 112 डायल के और उपयोग के बारे में भी बताया है। इस दौरान उन्होंने और कुछ बताया, खुद सुने। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हम लोग 112 हेडक्वार्टर लखनऊ से आज यहाँ गाजीपुर में आए हैं और इसका उद्देश्य श्रीमान एडीजी महोदय अशोक कुमार सिंह साहब की एक टीम बनी है, जिसमें एडिशनल एसपी महोदया मोहिनी पाठक मैम के अंडर में ये तीन टीमें आई हैं, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और बनारस। तो आज हम लोग को गाजीपुर में मौका मिला है ये अवेयरनेस फैलाने का कि 112 कैसे काम करती है, क्या क्या सहूलियतें नागरिकों को मिल सकती हैं। आपातकालीन सेवा है ये सभी जानते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई हैं। इसमें आपकी फायर भी ऐड है, दुर्घटना हो गई में भी है इसका, इसके अलावा वुमेन पावर लाइन जो है, घरेलू हिंसा, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला अगर अकेली है वो भी कॉल करे तो हम उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। दुर्घटना होने पर हम तत्काल वहां पहुंचेंगे। किसी हाईवे पे गाड़ी अगर ख़राब हो गई हो, आपके साथ महिला हो या आप अकेले भी हो, वहां पे अगर आपको दिक्कत है आप 112 को कॉल करें। लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद ये तो सभी जानते हैं इसके बारे में। ये जो और भी चीज़ें इसमें जुड़ी हैं, इसको हम लोग, ये हमारी ओवी वैन है और ये हमारा नुक्कड़ नाटक है, इसके अलावा हम लोग ये प्रचार प्रसार की सामग्री है, ये फॉर्म है एक, इसको अवेयरनेस के तौर पे पब्लिक जो आती है उसको भरवाया जाता है। अब तक इसमें हम 15-16 जनपद को कवर कर चुके हैं और बाकी अभी और भी जनपद जो भी पेंडिंग है, ये सतत प्रोग्राम है, ये चलता रहेगा। रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत पब्लिक जागरूक हो रही है और काफ़ी दूसरों की मदद के लिए वो आगे आ रहे हैं। जो अभी तक ये होता था कि पुलिस के पछड़े में कौन पड़ेगा, इसको छोड़ के अगर किसी और सज्जन की भी मदद करनी है तो वो अपने मोबाइल से 112 कॉल कर दे रहे हैं, अगर उसके पास मोबाइल नहीं है तो। गाजीपुर में हमने सुबह जो शुरुआत करी है वो मिश्र बाजार से करी है, उसके बाद रेलवे स्टेशन किया है, ये रौजा है, इसके बाद हम जंगीपुर जा रहे हैं। इसी तरीके से 4-4 जगह हम लोग 4 दिन प्रतिदिन करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।